अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको अपने वेयर हाउस का विज़िट करवाऊंगी, जहां पे मैंने मुख्तलिफ बर्ड्स रखे हुए हैं। ये छोटे छोटे चूज़े हैं जो कि हम लोगों ने इसको एक टेम्परेचर पे रखा हुआ है। ये इनके एग हैं, इसमें शामू और डिफरेंट किस्म के एग पड़े हुए हैं और इनमें से बच्चे निकलेंगे। और ये हमारी मुर्गियाँ हैं मुख्तलिफ नस्ल की और बहुत ही प्यारी हैं, जो कि इनकी इंसानों से भी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और ताकि इनको कोई जर्म्स वगैरह ना लग सके। तो हम लोग इनकी सफाई का भी बहुत ख्याल रखते हैं। आप देख सकते हैं कैसे क्लीन है। अगली वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्लैक कलर की हैं मुर्गियाँ हमारे पास, तो इनका भी इसी तरह हम ख्याल रखते हैं। और अब मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ बैक पे, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ लहसुन और धनिया वगैरह इस तरह की चीज़ें उगाई हुई हैं। और ये थोड़ा सा ना खुश्क हो चुका था, इनको पानी नहीं दिया था तो इस वजह से। और ये वाले जो हैं ये फुल ग्रीन थे और इसकी केयर भी की है, यहाँ पे पालक वगैरह इस तरह की चीज़ें लगाई हुई थी। अच्छा, ये ग्रीनरी जो है ना बड़ी अच्छी लगती है दिखने में ना, तो इसका बड़ा ख्याल रखा जाता है ताकि अगर आप कुछ भी लगाएं पानी टाइम पे दें और उनकी टेक केयर करें। यहाँ पे मैं और भाभी गॉसिप कर रहे थे कि ये क्या चीज़ लगी हुई है और ये क्या चीज़ लगी है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग आए थे तो हमें भी नहीं पता था क्या कुछ लगाया हुआ है, क्या कुछ और कौन कौन से बर्ड्स वगैरह नीम आ गए ना। तो हम आपस में गॉसिप कर रहे थे यहाँ पे। और अब मैं आपको ये कबूतर दिखाती हूँ। ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, इतने क्यूट लगे थे ना बहुत। इनका जो ताज था वो बहुत फ्लफी सा था और इनके आइज़ भी बड़ी मुश्किल से नज़र आ रही थी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो आई होप आपको भी ये अच्छे लगेंगे। पीछे जो है वो एक कबूतर था, उसने छोटा सा बेबी दिया हुआ था और उसकी मदर जो है उसको फीड करवा रही थी, कभी उसका दाना शाना खिला रही थी। वो मैंने वीडियो कैप्चर की थी, आई थिंक वो वीडियो मेरे पास नहीं थी इस वजह से वो मैं एडिट नहीं कर सकी। तो पीछे आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा वो वाला कबूतर, हमने उसको बड़ा कैप्चर करने की कोशिश की कि इसकी आंखें नज़र आ जाएँ। फाइनली थोड़ी बहुत कैप्चर हुई। अच्छा, ये वाला कबूतर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ऐसे जैसे बंदा एंग्री नहीं हो जाता किसी से, नाराज़ होकर अलग बैठा हुआ है था गुप्पू सा। और नीचे वाला जो कबूतर था ना, उसके पाँव पे वो फर सी थी ना, मुझे इनका नहीं पता ये कौन सी नस्ल है। आई होप आप लोगों को ज़्यादा पता होगा जो कबूतर रखते हैं और इस चीज़ की शौकीन है। अच्छा, ये वाला जो कबूतर है इसने भी ये अंडों पे बैठा हुआ था और ये भी बड़ा प्यारा सा था, मोटू गुपलू सा था। अच्छा, ये वाला जो है ना, जो मैं आपको बता रही थी कि वो शामू के एग, तो ये वो था ना, ये हमारे ब्लैक कलर के कबूतर थे। ये भी अच्छे थे, प्यारे लग रहे थे, ग्लिटरी से थे। अल्लाह ताला की हर चीज़ बनाई हुई बहुत प्यारी होती है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैं इसको बार बार कैप्चर करती रही। ये वाले भी बड़े मुझे क्यूट लगे थे, जो मैं आपको कह रही थी एंग्री सा था और ये ग्लिटरी वाला था। ये भी मुर्गियाँ थी, ये भी मुझे नहीं पता कौन सी नस्ल की थी। और ये शामू की एक फैमिली पूरी जो कि बैठी हुई थी यहाँ पे, नाराज़ होकर दाना शाना नहीं खा रही थी शायद। और ये मेरे पास है पैरट्स कलेक्शन, ये है लव बर्ड जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, इतने प्यारे लगते हैं, क्यूट क्यूट से कलर हैं इनके और बहुत क्यूट लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको बर्ड्स में से कौन से हैं जो ज़्यादा पसंद हैं और किस तरह से। एक्चुअली जो मेरी कज़न है ना, उनका है वेयर हाउस, उनकी कलेक्शन हैं, मैंने कहा क्यों ना मैं आपसे शेयर कर दूँ। और ये मेरे प्यारे से पैरट जो कि बुलाने की बहुत कोशिश की और ये बोले ही नहीं, पता नहीं शायद अकेले रहते हैं इस वजह से इनको आदत हो गई अकेले रहने की। और फिर ये हमारा जर्मन शेफर्ड जो कि अभी 2 दिन ही हुए थे आए हुए को। और फिर हम चले गए पीछे बैग पे ग्रीनरी देखने, फिर हमने सोचा कि अब हम टेनिस खेल लें। आशी ने मेरे साथ टेनिस खेला, काफ़ी देर हम लोग खेलते रहे और हम बहुत थके और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी
और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग गए थे। जब काफ़ी टाइम के बाद इंसान जाता है तो काफ़ी इन्जॉय करता है। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी देर टेनिस खेला। फिर हमने कहा कि हम लोग कुछ खाने पीने के लिए मंगवा लें ताकि साथ साथ भूख भी लगी है। तो इतनी देर हम लोग टेनिस खेलते हैं, उतनी देर में हमारे लिए खाना आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक मज़े की बात शेयर करती हूँ। आशी के पाँव चेक करो। आशी ने ना पहले शूज़ के साथ खेल रही थी, कह रही जी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं शूज़ उतार देती हूँ। तो इसने शूज़ उतार के नंगे पाँव खेलना शुरू कर दिया। फिर बाद में इसने हमें बड़ा तंग किया, यार मुझे शूज़ पकड़ा दो, मैंने पाँव धोने हैं, मेरे पाँव साफ नहीं हैं। तो बंदा बताए कि शूज़ के साथ कंफर्टेबल होता है कि बगैर शूज़ के कंफर्टेबल होता है, लेकिन हमारी आशी जो है ना ये बगैर शूज़ के ही कंफर्टेबल होती है। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बच्चे शूज़ के साथ खेलते हैं कि बगैर शूज़ के। ये जी यहाँ पे हमारे आगे समोसे जो कि हम लोगों ने सबने खाए, बहुत भूख लगी हुई थी, बहुत इन्जॉय किया, बड़ा ही मज़ा आया क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम लोगों ने टेनिस भी खेला, फिर हम लोगों ने समोसे भी खाए, बहुत इन्जॉय किया। फिर मैंने कहा कि चले भाभी आपके साथ भी टेनिस खेलते हैं। फिर भाभी कह रही थी मुझे खेलना नहीं आता। फिर खैर मैंने कहा भाभी मैं आपके साथ खेलती हूँ। फिर मैं और भाभी थोड़ी देर टेनिस खेले, फिर हमने थोड़ी देर रिलैक्स किया, ब्रेक ली। ब्रेक लेने के बाद जी भाई ने कहा कि मेरे साथ टेनिस खेलो। फिर उसके साथ टेनिस खेला, बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। इतने टाइम के बाद उसके साथ खेले, ये वैसे ही बहुत बिजी होते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता। तो फिर हमने कहा चलो जी आज ये वेले हैं तो क्यों ना हम इनके साथ टेनिस खेल लें। फिर इसके साथ मैं काफ़ी देर टेनिस खेलती रही। जब भाई बहुत टाइम के बाद हमें टाइम दें तो उनके साथ हम खेलने बैठे तो बहुत ही मज़ा आता है। इतनी देर में हमारी चाय तैयार हो गई, फिर हम लोगों ने टी ब्रेक ली, चाय पी, और फिर जी भाभी और भाई ने टेनिस खेला। और जो कि भाभी कह रही थी मुझे खेलना नहीं आता था, फिर खैर फाइनली इन दोनों ने भी टेनिस खेला और उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया। चाय बहुत मज़े की बनी हुई थी, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। वैसे भी जब बंदा कहीं जाता है तो वो कुछ ज़्यादा ही लग जाती है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा ही होता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर हम लोगों ने चाय पी, खाया पिया, खेले, और फिर हम लोग बहुत थक चुके थे क्योंकि ये काफ़ी टाइम के बाद टेनिस खेले थे। फिर हमने कहा चलो जी अब घर चलते हैं। फिर हो गया रात का टाइम, रास्ते में भी हम लोग इंजॉय करते गए और फिर हम लोग फाइनली अपने घर पहुंच गए। और फिर जी अब मैं भी आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मैं मिलती हूँ आपके साथ नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।